आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम बैंगन के चाइनीज लुक में पकौड़े। तो चलिए बनाते हैं। स्टफिंग करने के लिए लेंगे सोयाबीन भिगोया हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्ची, आरारोट, बेकिंग पाउडर, चिली सॉस, पनीर 2 से 3, प्याज कटे हुए, 2 बैंगन, 2 कप बेसन, विनेगर और सोया सॉस लेंगे, जीरा, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। चलिए बनाते हैं। इसी का जाल लेंगे, इसमें हम सोयाबीन को डालेंगे। अब इसमें हम डालकर ग्राइंड कर लेंगे इसको। देखिए अब इस ग्राइंड हो गया, कितने अच्छे से हो गया ना। अब इसको हम वापस बॉल में डाल लेंगे। अब इसमें हमने इसको डाल दिया है। अब हम चलिए गैस जलाएंगे, इसमें फ्राई पैन रखेंगे मीडियम पे। इसको गर्म होने तक का वेट करेंगे। फ्राई पैन गर्म हो चुका है, इसमें 2 से 3 हम ऑयल डालेंगे स्पून। फिर इसमें डालेंगे हम पहले जीरा। जीरा चटक जाएगा, उसके बाद डालेंगे हम इसमें प्याज। अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए अब ये प्याज भून चुका है। और इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे बस, ज्यादा नहीं। अब इसमें डालेंगे सोयाबीन जो हमने पीस के रखा था, दरदरा। अब देखिए अभी थोड़ा बहुत भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले सारे। तो पहले डालेंगे धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, अब हरी मिर्च इसमें डाल रखा है तो लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना कम तीखा खाना है। हल्का सा हल्दी पाउडर, नमक अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जितना कम ज्यादा खाते हैं जो भी। और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, ज्यादा नहीं फ्लेवर के लिए। सब विनेगर,
देखिए अब बिल्कुल ये इसमें का पानी सूख गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे सहजवान की चटनी। सिर्फ फ्लेवर के लिए अभी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा तब इसमें डालेंगे इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम बॉल में एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो चलिए डालते हैं इसमें। कप बेसन है, ये 2 कप बेसन है। आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं जितना पकौड़ियाँ बनानी है आपको। मैंने 2 कप लिया है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सब गरम मसाला और इसमें 3 चम्मच आरारोट फटेना डालेंगे। नमक 1/2 चम्मच नमक बहुत रहेगा। चलेंगे बेकिंग पाउडर, ज़्यादा नहीं, 1/2 स्पून से भी थोड़ा सा कम ही। इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि आपका बेटर ना मतलब ज़्यादा गीला ना हो। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी लेंगे। अब इसे थोड़े देर के लिए हम ढक के साइड में रख लेंगे। तब तक इसको हम साइड में रख देंगे। दोनों को वॉश साफ कर रखा है और अब इसे अच्छे से काटेंगे। और इसके काटने का तरीका ऐसा है, पहले हम वेस्ट इसका जूस, फिर एक बैंगन को मोटा पीस लेंगे, फिर इसमें से ऐसे बीच से कट करेंगे। कट ये ऐसे जुड़ा होना चाहिए, मतलब इधर से थोड़ा लगा होना चाहिए और इधर से ऐसे दिखना चाहिए। हम ऐसे ही मोटे पीस दो लेंगे, फिर इसको बीच में से काटेंगे। हम सारे बैगन को ऐसे ही काट के रख लेंगे जिससे हमारी स्टफिंग इसके बीच में भरने में आसानी हो। देखिए ऐसे करके इसको कट कर लिया है, ऐसे देखिए, ये देखिए। अब हम स्टफिंग जो हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो ठंडा हो गया है बिल्कुल। तो हम अब इसमें स्टफिंग सारा ऐसे करके इसमें भरेंगे, ये देखिए। अब ऐसे हम सब में भर लेंगे। देखिए
देखिए, देखने में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और खाइएगा और एक बार बना के ज़रूर देखिएगा कि कैसा बनता है और खाने में कैसा लगता है आपको, फिर अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। देखिए जब तक तेल गरम होता है तब तक देखिए ऐसे स्टफिंग भरी है इसके अंदर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और देखिए कितना अच्छा ये भी गाढ़ा हो गया है, जितना चाहिए था हमें उसी हिसाब से है। गरम हुआ है कि नहीं इसमें से हल्का सा डालेंगे, अभी तेल नहीं गरम हुआ है पकोड़े के हिसाब से हो गया है। इसमें हल्का सा लो फ्लेम कर लेंगे गैस का ताकि छींटे ना आए, और इसको एक एक करके ऐसे डालेंगे। कम ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा ताकि इसको घुमाने में दिक्कत हो। धीरे धीरे चम्मच से अपना आराम से घुमाते रहिएगा, एक ही बार में थोड़ा सा सेक के। अब देखिए कितना है ना, इसको इसी फ्लेम पे सेक के एक बार हल्का ही सेक के इसको बाहर निकाल लीजिएगा। इसको थोड़ा सा और हाई फ्लेम पे गर्म हो गया है, इसमें फिर 2 मिनट रुक के फिर इसमें दोबारा इसको डालेंगे। पहली बार में ज़्यादा महरूम नहीं करेंगे इसको, एक बार में कम करेंगे और दूसरी बार में पकने के हिसाब से तो निकाल देंगे। अब हाई फ्लेम पे है गैस, अब इसको अच्छे से सेक लीजिए। तो देखिए कितना अच्छा हो गया है, कलर आ गया इस पे। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। और देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए अब इसको खाइए और बच्चों को खिलाइए। तो खाके बताइएगा कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।